मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय, ओम श्री कुल देवताय, ओम श्री गुरु देवताय, ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना होती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना, हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से खराब, आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य, इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने चाहिए, इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 22 मई 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, आयंतर ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, पक्ष शुक्ल। ये दोस्तों आज की चतुर्दशी तिथि है। शाम 6:49 के बाद पूर्णिमा तिथि शुरू, वार बुधवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का स्वाति नक्षत्र है। सुबह 7:27 के बाद विशाखा नक्षत्र शुरू। योग दोस्तों वरियान योग है। दोपहर 12:37 के बाद परिक योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 6:19 के बाद वनिज करण शुरू होगा और शाम 6:49 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो वृषभ राशि में होगा, चांद तुला राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निर्गमन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:03 पर और निगमन जो है शाम 7:08। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहेंगे। इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्त मानस सद्य ब्रह्म द्वितीय पराद श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंते कलियुगे प्रथम पाति जम्बू द्वीपे भरतवर्ष भरत कल्पे मेरो दक्षिण दीपा के महाराष्ट्र देशे व्यापारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1946 प्रभादी षष्टि सहस्रम क्रोधी नाम सहस्र उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु वैशाख मास शुक्ल पक्ष बुधवार वासरे स्वाति नक्षत्र वरियानी गरज करणी चतुर्दशी शुभ वीर गोत्र में उत्पन्न हुए कड़प्पा मोह पात दुर्त क्षय द्वारा नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्य। यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:19। इस समय के बाद अगर आपको किसी भी धार्मिक विधि के लिए पंचांग को लेकर संकल्प छोड़ना चाहते हो तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर
नया संकल्प तैयार करें, और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा। अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे दोस्त, इसमें सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है, तारीख 23, 25, 27, 28 जून, तारीख 2 और 3। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23 और 28। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 23, 28 जून, तारीख 3। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29 जून, तारीख 2 और 3। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 23, 25 जून, तारीख 2 और 3। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग में आप देखेंगे, इसमें जनेऊ संस्कार, शादी ब्याह, वास्तु शांति, भूमि पूजन, पायाभरण, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, इनमें से किसी भी धार्मिक विधि के लिए इस मास में मुहूर्त नहीं दिया गया, क्योंकि प्रमुख ग्रह जो होते हैं हमारे अहिक सुख के कारण बनते हैं, वह गुरु और शुक्र, इन दोनों का अस्त होने जा रहा है, इस कारण इस विधि के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें, अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण करें, या गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का चयन, तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाए। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी वो आप देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उभर चढ़ी है, दिन अच्छा नहीं, दिन विशेष दोस्तों 18:49 के बाद भद्रा युग शुरू होने वाला है, तब तक ये समय ठीक है दोस्तों, लेकिन इस समय के बाद जो काल है वो काल ठीक नहीं है दोस्तों, इसके लिए अब आप सावधान रहें। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, आप अगर होम हवन घर पर ही करना चाहते तो कर सकते हैं दोस्तों, और काल भैरव अष्ट के लिए भी मैंने वीडियो में कहा था, ये काल भैरव अष्ट का पठन करें या रोज हवन करें, दोनों भी आपको करना है, या सिर्फ पठन करें, या काल भैरव कालाष्टमी जो होती है उस दिन करेंगे तो भी चलेगा। राहु काल दोस्तों दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30, इस काल में अगर आपका महत्वपूर्ण कोई काम नहीं बनता है किसी कारणवश, राहु के प्रभाव के वश, तो कृपा करके अपन आपको जो मालूम है वही आपको करना है दोस्तों। दोस्तों संकल्प छोड़कर जो पूजा होती है वो शत प्रतिशत शीघ्र और फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता, हम ही होते हैं हमारे जीवन को बदलने और बदलने,
अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें। हरिओम शिव महादेव।